कढ़ी को वैसे तो कई तरीकों से बनाया जाता है और हर एक का अलग अलग तरीका होता है इसे बनाने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी पकोड़ा रेसिपी। इस कढ़ी को हम खास ट्रिक के साथ बनाएंगे जिससे कि ये कढ़ी पकोड़ा आपकी भी स्मूथ टेक्सचर वाली बिना फटे बनकर तैयार होगी। इसके साथ जो पकोड़े होते हैं इसकी भी मैं आपको एक खास ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये कढ़ी पकोड़ा आपका भी एकदम से रुई जैसे सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी की पसंद आने वाली कढ़ी पकोड़ा रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप खट्टा दही। यहाँ पर आप कोशिश करें कि कढ़ी बनाने के लिए आप हमेशा खट्टी दही या फिर छाछ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा खट्टी दही या फिर छाछ का आप इस्तेमाल करेंगे कढ़ी के लिए, उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा कढ़ी के अंदर। इसके बाद इसी दही में हम ऐड करेंगे 4 चम्मच बेसन। बेसन भी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहिए, नहीं तो फिर कढ़ी जो है ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब इसी बैटर में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। इसे हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे, जो कि डाइजेस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद जिस कटोरी से हमने नाप कर लिया था दही, उसी से हम नाप कर लेंगे 1 कटोरी पानी। अभी हम थोड़ा पानी ही इसमें ऐड करेंगे, बाकी का पानी हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को एक विस्कल की हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बेसन में किसी भी प्रकार की कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहें। बैटर को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें हम 2 कप के जितना पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि कढ़ी को हमें अच्छे से पकाना होता है और पकते पकते अपने आप ही ये गाढ़ी होने लगती है। तो इसमें मैंने टोटल 3 कप पानी ऐड किया है और बैटर को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक अच्छे से इसे और फेंट लेंगे। तो ये देखिए, कढ़ी का बैटर हमने बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पर रेगुलर जो भी अपने किचन में ऑयल यूज करते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच लेंगे साबुत धनिया। इसे हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा अदरक का, जिसको कि बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची ली है जिसको कि बिल्कुल बारीक काट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 तेज़पत्ता लेंगे, 4 से 5 लौंग लिए हैं और कढ़ी की असली जो जान है वो है मेथी दाना, जो कि मैंने लिया है 1 चम्मच। इसे ज़रूर ऐड करें तभी कढ़ी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगी। अब हम सभी मसालों को कुछ सेकंड तक पकाएंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 करी पत्ता। इसका फ्लेवर कढ़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर से ऐड करें। और इसी के साथ 1 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी अब हम गोल्डन सा कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो प्याज को भी हमने मीडियम आंच पर अच्छे से पका लिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। अब जो बाउल में हमने कढ़ी का बैटर बनाया था उसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम तड़के में ऐड करेंगे। बैटर को ऐड करने के बाद इसी बाउल में 1/2 कप के जितना पानी और ऐड करेंगे और इसे भी कढ़ी में मिक्स कर देंगे। अब हम इस कढ़ी को धीमी आँच पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ी को बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। और जब तक कढ़ी बनके तैयार होती है तब तक हम कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियों का बैटर बना लेंगे। इसके लिए बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, 1 पिंच लेंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे जिसको कि बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने। थोड़ा सा ली है बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, आप यहाँ पे पालक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। पानी यहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो फिर बैटर जो है हमारा ज़्यादा रनिंग हो जाता है। और अब हम इसे विस्कल की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर में किसी भी प्रकार की कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहे। तो इन पकौड़ियों में हमने ना सोडे का इस्तेमाल किया है और ना ही दही का, फिर भी ये पकौड़ियाँ एकदम रुई जैसी सॉफ्ट मुलायम और फूली फूली बनेंगी। इसके लिए हम यहाँ पे एक खास ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल बैटर बनाकर तैयार कर लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। बैटर ना तो ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है।
अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और जो बैटर हमने तैयार करके रखा है उसमें से थोड़ा सा बैटर इसमें हम गिरा कर देखेंगे। तो ये देखिए बैटर जो है वो एकदम तली में जाकर बैठ सा गया है। इसका मतलब ये है कि बैटर अभी ज़्यादा हैवी है और ये हैवी होने की वजह से ही तली में जाकर बैठ गया है। अब हमें इस बैटर को 1 से 2 मिनट लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से फेंट लेना है। हमें इस बैटर को अब इतना फेंटना है कि ये फेंटते फेंटते पहले से और भी ज़्यादा हल्का हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बैटर को फेंटेंगे उतना ही ये ज़्यादा हल्का होगा। तो फेंटते फेंटते बैटर का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये फूला फूला सा भी हो गया है। तो बैटर को हमने यहाँ पे खूब अच्छे से फेंट लिया है और अब हम दोबारा से कटोरी में पानी लेंगे और फिर से इस बैटर को कटोरी में डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये बैटर इतना हल्का हो चुका है कि जैसे ही हमने इसे कटोरी में डाला ये तुरंत ही ऊपर की तरफ आकर तैरने लगा है और इसकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। तो बढ़िया सा सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनाने के लिए बैटर एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे ऑयल को गर्म करेंगे और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर डाल देंगे। पकौड़ियों को हम यहाँ पे छोटा ही रखेंगे क्योंकि कढ़ी में जाकर आगे ये फूल भी जाती हैं, तो इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे जितना कि एक टाइम के ऑयल में आ सके। तो यहाँ पे मैंने हाथों से ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना करके ऑयल में डाल दी है और जैसे ही हमने इन पकौड़ियों को ऑयल में डाला ये तुरंत ही ऊपर की तरफ तैरने लगी हैं। अगर आप भी इसी तरह से सॉफ्ट और फुली फुली पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तब आप बेसन को जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से फेंट लें। हाथों से ही हमने यहाँ पे गोल गोल पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है और जैसे ही हमने इन पकौड़ियों को ऑयल में डाला ये तुरंत ही हल्की होकर ऊपर की तरफ तैरने लगी हैं। इसका मतलब यह है कि पकौड़ियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा हल्की और फुली फुली बनी हैं। अब हम इन्हें एक तरफ से सिकने देंगे और जैसे ही एक तरफ से सिक जाए तब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए हमने अच्छे से पकौड़ियों को सेक लिया है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकौड़ियों के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है और इन पकौड़ियों को आप ऐसे भी खाएंगे तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फुली फुली पकौड़ियाँ बनकर हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम इन पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आप भी इसी तरह से सॉफ्ट और फुली फुली पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तब आपको इसके लिए बेसन को खूब अच्छे से फेंट लेना है। जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना होने लगे तभी पकौड़ियों का परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेसन को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्की सी पकौड़ियाँ बनकर हमारी तैयार होंगी। इधर कढ़ी भी पकते पकते काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पर फिर से पकाएंगे। तो कढ़ी को हमें यहाँ पे थोड़ा सा पतला ही रखना होता है क्योंकि जब हम इसके अंदर पकौड़ियाँ डालेंगे तो ये काफ़ी मात्रा में अपने अंदर कढ़ी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो जैसे ही कढ़ी पकने के बिल्कुल लास्ट कंडीशन में आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करके लेंगे। रोस्ट करने से कढ़ी में कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है और ये बड़े इजीली हाथों से क्रश भी हो जाती है। और इसी के साथ इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि मेथी का अच्छे से फ्लेवर आ जाए कढ़ी के अंदर। मेथी डालने से खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है कढ़ी के अंदर, इसे ज़रूर से डालें और बिल्कुल एंड में डालें। तो मेथी डालने के बाद भी कढ़ी को हमने 1 मिनट तक और पका लिया है। अब हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसके अंदर ये तैयार की हुई पकौड़ियाँ। तो कोशिश करें पकौड़ियों को हमेशा आप गरम गरम कढ़ी के अंदर ही ऐड करें ताकि ये अपने अंदर अच्छे से कढ़ी को ऑब्जर्व कर ले और ये अच्छे से इसके अंदर फूल भी जाए। खड़े मसालों में हमने जो तेज पत्ते का यूज किया था उसे अब हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर कढ़ी के अंदर अब आ चुका है। अब हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक तड़के पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप इसे ऑयल में भी लगा सकते हैं पर देसी घी में तड़का लगाने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ इसमें मैंने ऐड की हैं 2 सूखी लाल मिर्च। 1/2 चम्मच इसके अंदर देगी मिर्च ऐड करेंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है पर इसे कलर बहुत ही बढ़िया आता है किसी भी तड़के के अंदर। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को ऐड कर देंगे अपनी गर्म गर्म कढ़ी के अंदर। इससे कढ़ी देखने में भी सुंदर लगेगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। टेस्टी सी कढ़ी बनकर हमारी पूरी तरह से तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बो माना गया है। इस तरह की कढ़ी को आप एक बार जब बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए कढ़ी कितनी स्मूथ बनी है, और ये पकौड़े देखिए आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि हमने इसमें डाले थे। ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बने हैं, ना ही ज़्यादा कढ़ी में घुले हैं। दूसरी बात, कई बार कढ़ी बनाते टाइम वो फट सी जाती है और इसमें दही के टुकड़े टुकड़े से दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण यह है कि आपने बेसन और दही को अच्छे से फेटा ही नहीं है, जिसके कारण वो फटी फटी सी लगती है। तो इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आपकी कढ़ी भी बिल्कुल नहीं फटेगी और ऐसे ही स्मूथ टेक्सचर वाली कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से इस कढ़ी पकौड़े को अपने घर पर बनाइएगा और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। गार्निश करें इसे ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ती के साथ। तो स्मूथ से टेक्सचर वाली कढ़ी पकौड़ा बनकर हमारी पूरी तरह से तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।